ये आजकल पूरे विश्व में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में हमारे एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग ने एक कार्यक्रम रखा था। इसमें स्तनपान के बारे में बताना और मरीजों के जो माताएं हैं और उनके साथी लोग हैं उनको अवेयर करना कि माँ के दूध से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और माँ के दूध कितना बच्चे के डेवलपमेंट में सहायक है। इस वर्ष जो थीम थी ब्रेस्ट फीडिंग विश्व स्तनपान सप्ताह की फाउंडेशन था, माँ का दूध जीवन का आधार है। तो उनके कहने का तात्पर्य ये था कि अगर माँ का दूध बच्चा पिएगा उतना ही उस बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा और अच्छी तरह ग्रो करेगा। अगर नींव मजबूत होगी उतना ही मजबूत उस पर बना घर मजबूत होगा, पेड़ की जितनी मजबूत जड़ होगी उतना ही मजबूत पेड़ होगा। इसका इससे आज हमने पूरे बाल रोग विभाग में सभी जितने बच्चे भर्ती हैं उनकी माताओं को बुलाया, उनके साथ तीमारदार को बुलाया और गायनिक में भर्ती माताएं बहनों को बुलाया, उन्हें अवेयर किया गया माँ के दूध के बारे में और माँ का दूध कब पिलाना चाहिए। माँ का दूध जो है प्रसव के बाद विधिन एक घंटे के अंदर शुरू कर देना चाहिए, जिससे बच्चे को आहार मिलता है, बच्चे को गर्मी मिलती है और बच्चे को सिक्योरिटी मिलती है। यही तीनों चीज़ों की उस बच्चे को ज़रूरत होती है। यही तीन चीज़ें केवल माँ के दूध से मिल सकती हैं और किसी से नहीं मिल सकती हैं, ठीक। और माँ के दूध के बच्चे में क्या फ़ायदे हैं, माँ को क्या फ़ायदे हैं और कम्युनिटी को क्या फ़ायदे। माँ का बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, संपूर्ण आहार है, बच्चे में कुपोषण की शिकायत कम होती है, बच्चों में इन्फेक्शन का चांस कम होता है, इन्फेक्शन से बचाता है और एलर्जिक चीज़ें हैं, एलर्जिक बीमारियां हैं जैसे अस्थमा है और एक्जिमा है, इनका चांस कम रहता है। इसके साथ साथ निमोनिया, डायरिया और बुखार का आने का कम होता है। ये जो है एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है कोलेस्ट्रम, जिससे जो है जो छोटा बच्चा होता है उसमें इन्फेक्शन लड़ने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें कीटाणुओं से लड़ने की ताकत नहीं होती। ऐसे में बच्चा माँ का दूध पिएगा तो उसमें इन्फेक्शन लड़ने का चांस नहीं होता। माँ को क्या क्या फ़ायदे हैं, माँ को फ़ायदे ये हैं, माँ प्रसव के दौरान अगर माँ दूध पिलाती है आफ्टर प्रसव के बच्चे को तो रक्त स्राव का चांस कम हो जाता है। रक्त स्राव के चांस कम होने से बच्चे माँ को एनीमिया कम होता है और प्रोलोंग्ड दूध पिलाने से दो बच्चों के बीच में स्पेस रखने में सहायक होता है और प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे की माँ ने वेट गेन किया था वो वेट कम होता जाता है, जिससे बच्चे की माँ पुरानी शेप में आ जाती है, जिससे अगर कहें तो फिगर मेंटेन रहता है। कम्युनिटी को, ये माँ का दूध पे आएंगे तो हमारा देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, पॉल्यूशन कम होगा और इको फ्रेंडली है, इसलिए माँ का दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, ज़्यादा समय तक पिलाएं और प्रमोट करें।